देखिए पालक भैया, डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे। तुमको हक निकल घर पर बुला तो कहीं आए? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, हम विनोद। जी हाँ, ये वही विनोद हैं जो चर्चित वेब सीरीज पंचायत से लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। अंडर प्रोसेस ही है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है। विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वो हमारे पैखानवा बनने वाला था है, तो उसमें दीवाल खड़ा कर दिए, अभी तक लैट्रिन के सीटवे नहीं लगा है। अशोक पाठक उर्फ विनोद का कैरेक्टर भले ही सीरीज में छोटा रहा, लेकिन इतना असरदार रहा कि आज विनोद के कई मीम्स और सीन वायरल हो रहे हैं। सचिन जी, हम विनोद। विनोद मतलब अब लोग पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो बदलाव आ गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे पहले था वैसे उससे बहुत कुछ बदल गया है। कई लोग देख रहे हैं पंचायत, मतलब मैं भी खुद देख देख के हंसता रहता हूँ यार। ऐसे ऐसे खतरनाक मीम आ रहे हैं कि इमेजिन से पर हैं। ऐसे भी कई मीम आए कि मैं मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंसा हूँ। अपने रोल को लेकर अशोक ने कोई तैयारी नहीं की, बस एक ऑडिशन दिया और उन्हें विनोद का कैरेक्टर मिल गया। तैयारी ऐसी कुछ नहीं की मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे रोल मिला और सुर लग गए। मैं तो यही कहूंगा कि वो लिखा हुआ इतना अच्छा है, बस उसमें थोड़ा सा बस जैसा वो लिखा हुआ है उसको बस जी लेना था, क्योंकि मैं भी उस बैकग्राउंड से आता हूँ, गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ। ऐसे कैरेक्टर्स मैंने देखे हैं बहुत, वहीं से ये मतलब हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। अब तो लग रहा है कि लग ही जाएगा, हमारा लैट्रिन लग ही जाएगा। पहले सीट तो लग जाने दो, पर्दा सोफा बाद में लगाते रहना। चाय दीजिएगा। आज भले ही अशोक अपने कैरेक्टर विनोद से पहचाने जा रहे हैं, लेकिन इस पहचान के पीछे एक लंबा संघर्ष भी है। 8th-9th में थोड़ी परिवार की स्थिति चरमराई थी। उस दौरान वही जो मेरे चाचा है वो कॉटन बेचते थे, मैंने एक साल के लगभग उनके साथ मिलकर रूई बेची। ये भी होता था कि 20-25 किलोमीटर साइकिल चला लेता था। उस टाइम में 100-150 रुपए, कभी 125-200 रुपए कमा लेता था रोज शाम। वो भी बड़े यादगार ही दिन, कम से कम वहां से शायद मेहनत करने की आदत लग गई। बाकी फिर 10th के बाद पढ़ाई में मैं बहुत नालायक था। +1+2 फिर मैंने की, पापा की नौकरी हो गई जिंदल में, तो थोड़े दिन सुधर गए। फिर ग्रेजुएशन में जाके पूरी जिंदगी मेरी बदली। ग्रेजुएशन में गया तो मुझे थिएटर का पता चला, नाटक का पता चला। ये तो उस दौरान फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं एमए कर रहा था हिंदी से, और साथ साथ में मैंने जिंदल में जॉब करनी शुरू कर, क्योंकि इतने पैसे तो नहीं थे कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग लूं और पढ़ाई करूं। शुरुआती समय में अशोक सिनेमा या थिएटर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस रंगमंच की दुनिया से उनके दोस्त ने रूबरू कराया। मैं एक्चुअली गाने वाने का शौकीन था, तो गाता वाता था, तो उसमें तो चांस मिला नहीं। तो बाद में पता चला कि भैया हम बाथरूम सिंगर ही हैं, ज्यादा प्रोफेशनल में हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कि तुम कोई बड़े गायक वायक नहीं बन सकते हो। जितना गाते हो वो अपने चार दोस्तों में बैठ के गा लो, वहां वाहवाही मिल जाएगी, वो बहुत सही है। तो एक हमारे मित्र थे दिलीप तिवारी, वो आजकल बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट है, वो मुझे लेकर गए, चलो नाटक करेंगे, वे थिएटर करेंगे, चलो देखो। वरने मैंने कहा यार ये क्या होता है, मुझे पता होता है नहीं। तिवारी जी का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। तब से पूरा फिर बदल गया, फिर लगा कि नहीं यार मैं इसी चीज के लिए बना हूँ, यही मैं दुनिया में अच्छे से कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझसे और कुछ नहीं होता। अरे भाइयों जल्दी चलो ना, पहली शादी है मेरी। सपनों की नगरी मुंबई में सर्वाइव करना आसान नहीं है, खासकर एक कलाकार का, लेकिन अशोक ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें जो रोल मिलता रहा उसे वो निभाते चले गए। स्ट्रगल तो क्या होता है कि जब भी कोई एक्टर बम्बई आता है तो शुरुआत के दिन में वही है कि अपना हर जगह जाना, बताना, अपनी प्रोफाइल बताना, आपने कुछ किया है वो बताना। एड वेड मिल जाती थी मुझे, 10 एड के ऑडिशन में मैं अगर फिट हूँ तो एक ऑडिशन तो मेरा पक्का क्लियर हो ही जाता। और फिर फिल्म मिल गई मुझे, ये रहा कि काम आता रहा। हाँ, वो इमोशन वाले काम, ठीक है छोटा, एक सीन, दो सीन, तीन सीन, मतलब कुल मिला के ये कहा जाए घर पे मतलब छत थी और खाने के लिए रोटी थी। यूं मान लीजिए कि एक वक्त था जब पंजाबी फिल्में ऐसी थी जिससे मेरा किचन चल रहा था, वहाँ ठीक है एक ही तरीके के रोल मैंने किए। ये क्या करवाए गए कि हाँ भाई आप हमको ऐसा ही चाहिए। मौका मिले ना आदमी को कि बतौर अभिनेता, वही
क्यों नहीं कोई करोड़पति का रोल कर सकता, कोई क्यों नहीं अगर वो मेरे जैसा दिखने वाला है। चाहे अभी तो बहुत सारे उदाहरण है इंडस्ट्री में, तो चीजें बदल सकती है। कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, और फिर अशोक पाठक का भी वक्त आया, जिन्होंने छोटे छोटे रोल कर लोगों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। मुझे लगता है कि वक्त आता है आपका, आप उसमें उन छोटे किरदारों में आप कितना अच्छा करके ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज की हुई कभी जाया नहीं जाती। जैसे कि विनोद भी देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा लेंथ नहीं था पंचायत में, लेकिन ये था कि लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार किया। मुझे नहीं पता था कि विनोद को लोग इतना प्यार देंगे, इतना मतलब दिल में बस जाएगा ये लोगों के करेक्टर। क्योंकि सच करीब से दिखता है।